नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एजुकेशन में हम हमेशा से नए परिवर्तन और सुधार करते रहे हैं। सुधारों की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब आपको हमारे मोबाइल कोर्स के माध्यम से अपने विषय के डाउट क्लियर करने का अवसर प्राप्त होगा। अब तक आपको हमारे मोबाइल कोर्स में 240 घंटे के रिकॉर्डेड वीडियो, 12 ऑनलाइन किताबें तथा प्रैक्टिस के लिए 3000 क्वेश्चंस मिल रहे थे। 15 मई 2020 से आपको इस कोर्स में प्रतिदिन एक नया वीडियो मिलेगा। यह नया वीडियो मोबाइल कोर्स परचेस करने वाले छात्रों के डाउट्स पर आधारित होगा। यदि आपने हमारा मोबाइल कोर्स परचेस किया हुआ है या आगे करने वाले हैं तो हम आपके प्रत्येक डाउट को अब यहां पर क्लियर करने वाले हैं। हम यह मानते हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी यह नई पहल वीडियो देखने की प्रणाली में एक नया परिवर्तन लाएगी और वीडियो के माध्यम से आप ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन कम्युनिटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है और मैं हूं आकाश सिंह। जैसा कि आपको पता है कि हमने एक नई इनिशिएटिव की शुरुआत की है। ये इनिशिएटिव क्या है, तो इस इनिशिएटिव पर हम छात्रों के डाउट क्लियर करेंगे। किन छात्रों के? वो छात्र जो हमारे मोबाइल कोर्स प्लान के साथ में, प्रोग्राम के साथ में जुड़े हुए हैं। देखिए, हमारा मोबाइल कोर्स प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम था जिसमें हमने सिविल सर्विसेज की ज़रूरत के हिसाब से सारे विषयों के वीडियोस आप तक प्रोवाइड करवाए थे। उसे पढ़ने के बाद, लगभग 200 घंटे का वीडियो था, उसे पढ़ने के बाद हम इतना सुनिश्चित कर सकते थे कि अगर छात्र उसको फॉलो करें तो काफ़ी बेहतर मार्क स्कोर करके वो काफ़ी अच्छा स्थान प्राप्त कर सकते हैं एग्ज़ाम पर। तो इस वीडियो को जब हमने आप तक पहुंचाया, उसके बाद जब कुछ एक समय बाद हमने इस पर विचार किया, एनालिसिस किया, विश्लेषण किया, तो हमें ये पाया कि कहीं ना कहीं कुछ कमी सी रह गई है। छात्रों के द्वारा भी ये बात हम तक पहुँचाई गई और वो कमी रह गई डाउट क्लियरेंस की। देखिए, सामान्यता ऐसा होता है, बहुत ही स्वाभाविक है कि जब भी आप कोई एक वीडियो देखें, कोई एक टॉपिक देखें, कोई एक सब्जेक्ट पढ़ें, तो किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक से डाउट आ जाना बहुत ही स्वाभाविक होता है। और अगर डाउट क्लियर ना हो, चाहे वो कितना भी छोटा ही क्यों ना हो, अगर वो डाउट क्लियर ना हो तो वो टॉपिक आप कितना भी बेहतर तरीके से पढ़े हों, समझने का प्रयास किए हों, वो अधूरा सा रह जाता है। तो इस तरीके से होगा क्या कि हमने जिस उद्देश्य के लिए मोबाइल कोर्स बनाया था कि छात्र इसे पढ़कर अपना एग्जाम क्लियर करे, वो उद्देश्य भी अच्छे से पूरा नहीं हो पाएगा। और छात्र जिस उद्देश्य के लिए इसे परचेस किए थे कि घर बैठे तैयारी करके, कम समय पर ज़्यादा रणनीतिक तौर पर तैयारी करके अपने एग्ज़ाम को वो क्रैक कर सके, उनका भी उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाएगा। तो इस कमी को, इस खामी को हटाने के लिए, इसे भरने के लिए हमने इस इनिशिएटिव की शुरुआत की, जहां पर हम छात्रों से डाउट्स यहां पर मांगेंगे। वो छात्र जो मोबाइल कोर्स के साथ जुड़े हुए हैं, वो अपने क्वेश्चन हम तक पहुंचाएंगे, अपने डाउट्स हम तक पहुंचाएंगे और एक निर्धारित दिनांक को हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के वो डाउट वाले क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए जाएंगे। तो हमारे इस प्रोग्राम के साथ में जितने भी छात्र मोबाइल कोर्स के साथ जुड़े हुए थे, वो ज़्यादा से ज़्यादा डाउट यहाँ पर पूछें, आपके लिए भी बेहतर होगा और हमारे लिए भी बेहतर होगा, क्योंकि हम दोनों की बेहतरी इसी में है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे हो और बहुत ही अच्छी तरीके से आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकें। तो चलिए, इस वीडियो पर हम इकोनॉमी के क्वेश्चंस डील करने वाले हैं। पहला वीडियो कल आ चुका है निकट मैम के द्वारा, उन्होंने पॉलिटी के डाउट्स यहाँ पर क्लियर किए थे और आज मैं इकोनॉमी के क्वेश्चंस के डाउट यहाँ पर क्लियर करूँगा। क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा हम कोरोना और अर्थव्यवस्था पर कुछ एक विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। विस्तृत चर्चा इसलिए मैंने कहा क्योंकि आगामी कई सालों तक, हो सकता है कि पूरी की पूरी एक दशक तक, हम इस कोरोना महामारी और अर्थव्यवस्था के साथ में जो समन्वय बना हुआ है उस पर चर्चा करते ही रहेंगे। क्योंकि आज जो कोरोना के कारण अर्थव्यवस्था पर, चाहे भारतीय अर्थव्यवस्था हो चाहे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर, जो हम प्रभाव देख रहे हैं, इस प्रभाव का असर हमें आज भी देखने को मिलेगा, नियर अबाउट फ्यूचर पर भी देखने को मिलेगा और काफ़ी लंबे समय तक हमको ये असर देखने को मिलेगा। कई सारी चीज़ें नई अपडेट होंगी, कई नए नए सारे थ्योरीज आएंगे, नए सारे फिलॉसफीज आएंगे, नए फैक्ट्स आएंगे, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर डेवलपमेंट पर होते जाएगी। क्योंकि कोरोना महामारी ने लोगों के जीवन पर एक अलग ही प्रकार का प्रभाव छोड़ा है, उनके एक व्यक्तिगत, एक सामाजिक दायरे को यहाँ पर सीमित किया है, साथ ही साथ वैश्विक जो यहाँ पर बहुपक्षवाद है उसे भी यहाँ पर
प्रोत्साहित किया है और भी बहुत सारे यहाँ पर असर आपको देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक्सपांड नहीं करना चाहता, तो सिर्फ अभी मैं उन क्वेश्चंस को यहाँ पर डील करूँगा जो डाउट में पूछे गए हैं। और जाहिर सी बात है, क्योंकि इकोनॉमी विषय की ये खूबसूरती ही है कि ये बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक है। आप इकोनॉमी को कभी भी करंट अफेयर से दूर नहीं कर सकते, और ख़ासकर अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तो कर ही नहीं सकते, जहाँ पर आप हर दिन ये देख रहे हैं कि इकोनॉमी के किसी भी एक पर्टिकुलर सेक्टर पर कुछ अलग प्रकार का प्रभाव हमारे सामने आ ही रहा है। तो जब भी यहाँ पर क्वेश्चन मैंने देखे छात्रों के द्वारा, तो वो सारे क्वेश्चन कुछ कोरोना से ही मिले जुले यहाँ पर दिख रहे थे, और जो कि बहुत स्वाभाविक है और आगे भी चलकर ऐसी संभावना बनते ही जाएगी। तो मेरा आप लोगों से ये आग्रह है कि अगर आपको इस इकोनॉमी को काफ़ी बेहतर तरीके से समझना है, तो ये बहुत ही बेहतर समय है, बहुत ही उपयुक्त समय है, क्योंकि किसी भी विषय को तब ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा जा सकता है जब उस पर बहुत ज़्यादा बातें की जा रही हैं, बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर आप अप्स एंड डाउन्स देख रहे हैं। तो चीज़ों को देखने का, समझने का जो सबसे बेहतर तरीका हो सकता है वो अभी ही हो सकता है। तो आप जुड़िए, क्वेश्चन पूछिए, कोरोना से कनेक्टेड हैं, स्टैटिक पोर्शन से कनेक्टेड है, डजंट मैटर, आप अपने डाउट पूछिए और उस डाउट को हम यहाँ पर क्लियर करते जाएंगे और इकोनॉमी सब्जेक्ट आपका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पर हम चलते हैं, और सबसे पहला क्वेश्चन चंद्रशेखर पाटिल ने पूछा था, और इनका जो क्वेश्चन था वो स्टैटिक और डायनेमिक दोनों फ्लेवर लेकर आया हुआ था। उनका क्वेश्चन ये था कि सर FDI का मतलब क्या है, और अभी भारत ने चीन को FDI से क्यों रोका है। देखिए, अभी बीते कुछ दिनों पहले हमने एक न्यूज़ पढ़ा था कि चाइना का बैंक पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने HDFC कंपनी का शेयर बढ़ा दिया, मतलब उसकी शेयर को और ख़रीद लिया है। पहले जो हिस्सेदारी थी पीपल्स बैंक ऑफ चाइना की वो 0.8% थी, अब उसे बढ़ाकर 1.01% कर दिया गया। और जैसे ही ये खबर न्यूज़ में आया, कुछ दो चार दिन के अंतराल पर भारत सरकार ने FDI नियम पर परिवर्तन किया, और इस परिवर्तन का खुले तौर पर विरोध किया चाइना और चाइना के निवेशी कंपनियों ने। और इसीलिए शायद चंद्रशेखर पाटिल ने यह प्रश्न पूछा है कि सर FDI क्या होता है और चीन को हमने क्यों रोका है। तो सबसे पहले तो हम इस FDI को ही समझ लेते हैं। FDI अर्थात फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, F से आप निकालेंगे फॉरेन, D से हो गया डायरेक्ट और I से हो गया इन्वेस्टमेंट। अगर आप इसे हिंदी में कहें तो फॉरेन से हो गया विदेशी, डायरेक्ट से हो गया प्रत्यक्ष और इन्वेस्टमेंट से हो गया निवेश। तो ये FDI का अर्थ ये है कि सबसे पहला तो नाम ही ऐसा दिख रहा है कि फॉरेन अर्थात विदेश से। तो विदेश से जब कोई निवेश आपके देश में करे अर्थात देश की किसी कंपनियों पर जब कोई निवेश करे और ये निवेश विदेश से आए तो उसे हम विदेशी निवेश कहेंगे। अब बात ये आता है कि प्रत्यक्ष का क्या अर्थ है। देखिए, प्रत्यक्ष का अर्थ ये है कि जब कोई एक कंपनी डायरेक्ट इंडिया में आके अपने इंस्टीट्यूट को, अपने फर्म को इस्टेब्लिश करता है तो उसे हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहेंगे, अर्थात वो भारत में ही पूर्व से स्थापित किसी कंपनी का सहारा लेकर निवेश नहीं कर रही है। जैसे कि अगर आप डोमिनोज देखें, वॉलमार्ट देखें, तो ये विदेशी कंपनी है। ये कंपनियाँ भारत में आती हैं, अपने आउटलेट बनाती हैं और आउटलेट बनाकर सीधे तौर पर वो डोमिनोज के नाम से या फिर वॉलमार्ट के नाम से वो व्यापार करती हैं। लेकिन अगर कोई कंपनी ऐसी है या फिर कोई विदेशी ऐसा है जो निवेश कैसा कर रहा है कि भारत की कोई कंपनी है, मान लीजिए रिलायंस है, और उनके शेयर को जब ये खरीद रहा है तो ये भी विदेशी निवेश ही होता है, लेकिन ये प्रत्यक्ष नहीं होता। तो इस हिसाब से आप समझ गए होंगे कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अर्थात प्रत्यक्ष रूप से आके निवेश करना। तो अब जब ये पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने इस HDFC बैंक के शेयर को ख़रीदा तो ये क्या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था। देखिए, एकदम ही ज़्यादा अगर टेक्निकल अगर आप जाकर देखें तो ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो नहीं था, क्योंकि पीपल्स बैंक ऑफ चाइना डायरेक्ट यहाँ पर नहीं आई थी, उन्होंने HDFC बैंक के शेयर को ख़रीदा था, लेकिन ये विदेशी निवेश है। तो हमने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाले कानून पर क्या बदलाव किया और क्यों किया और ऐसा करने की ज़रूरत क्यों पड़ गई थी, तो सब समझते हैं। तो देखिए, अभी कोरोना महामारी के कारण बाजार में मांग कम है, कंपनियां मुनाफा नहीं कर रही है, उनके शेयर्स बहुत ही ज्यादा नीचे जा रहे हैं, कंपनियां नुकसान कर रही हैं, मार्केट गिर रहा है, तो अभी शेयर बहुत सस्ते दाम पर भी आप खरीद सकते हैं। तो मान लेते हैं कि अगर HDFC बैंक का शेयर बहुत सस्ते पर मिल रहा है
और विदेशी निवेश आए और सस्ते सस्ते शेयर खरीद लें, तो वो कंपनी के काफ़ी ज़्यादा हिस्से पर उनका स्वामित्व हो जाएगा। और कंपनी पर स्वामित्व का कहने का मतलब ये है कि कंपनी के नीति निर्माण पर, कंपनी के मुनाफे पर, कंपनी के स्ट्रेटजी प्लानिंग पर, हर जगह पर उनका स्वामित्व हो जाएगा। और इस प्रकार से भारत में स्थापित ही कोई कंपनी कहीं ना कहीं विदेशी कंपनियों के अंडर चला जाएगा। अर्थात आपके देश में जो कंपनी काम कर रही है वो फिर किसके इशारों पर चलने लगेगी, तो विदेशियों के इशारों पर चलने लगेगी। अर्थात विदेशी हमारी कंपनियों को यहाँ पर रेगुलेट कर सकते हैं। तो अभी वर्तमान पर शेयर बहुत सस्ते पर चले गए हैं, सस्ते पर उसे खरीदा जा सकता है, तो बहुत सारे विदेशी निवेशक ऐसा प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर खरीद के अपने एक्सपांशन को बढ़ाएं, इससे हमको नुकसान होगा। बेशक ज़रूरत से ज़्यादा अगर विदेशी आकर निवेश करने लगेंगे तो हमारी संप्रभुता पर नुकसान होगा, हमारे घरेलू अर्थव्यवस्था पर नुकसान होगा। एक पर्टिकुलर लिमिट तक विदेशी निवेश बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा जब हो जाएगा तो उसके बहुत सारे यहाँ पर नकारात्मक प्रभाव होंगे, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बता दिया। तो हम क्या करेंगे कि जब ये पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने ऐसा हरकत किया तो हम सजग हो गए। हम सजग हो गए कि अगर इस चीज को रोका नहीं गया, विदेशी निवेशकों पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई, तो इस कोरोना महामारी की आड़ में, इस कोरोना महामारी को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखकर ऐसे बहुत सारे विदेशी निवेशक आएंगे। मुख्य रूप से हम चाइनीज निवेशक को यहां पर बात कर रहे हैं। बहुत सारे निवेशक आएंगे और हमें या हमारी कंपनी को वो गुलाम बना सकते हैं। तो इसलिए हमें अपने निवेश या फिर विदेशी निवेश वाले जो कानून है उसमें कुछ कड़े प्रावधान जोड़े जाने चाहिए, कम से कम अभी वर्तमान के लिए। तो हमने क्या किया, हमने एक नियम बनाया। उस नियम के तहत हमने ये कहा कि भारत के जितने भी जमीनी सरहद बनाने वाले पड़ोसी देश हैं, अगर उन देशों से भारत की किसी कंपनी पर निवेश किया जाएगा तो भारत सरकार से परमिशन लेना होगा। तो इस तौर पर हम, अर्थात भारत सरकार, यह निर्धारित कर सकती है कि ये निवेश हमारे लिए लाभदायक है या हमारे लिए हानिकारक है। और जब इस प्रकार से हमने नियम कायदे कानून जो बनाए गए उसकी जब हमने शुरुआत कर दी, तो जाहिर तौर पर कि अभी हम अपनी अर्थव्यवस्था को बाहरी प्रभाव से, विदेशी प्रभाव से बचाना चाहते हैं, या फिर आप ये कहें कि जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम अपने आप को पहले आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, तो ये आत्मनिर्भर बनने की कहानी की एक पहले कदम के तौर पर भी आप देख सकते हैं। अब चाइना को मज़ा आएगा क्या इसमें? बिल्कुल नहीं आएगा। चाइना जो चाह रहा था, चाइना अपने टेरिटोरियल एक्सपांशन, इकोनॉमिक एक्सपांशन करना तो हमेशा से चाहता था, तो उसको मज़ा नहीं आएगा। उनको लगेगा, या फिर ये जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो वोकल होंगे वो वोकल कुछ इस प्रकार से होंगे कि भारत जो है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के पक्ष में नहीं है, भारत अच्छा काम नहीं कर रहा है, या फिर जो निवेश विरोधी भारत बन चुका है, तो वो उनका काम है, वो करते रहें, लेकिन हमने चीन को रोकने के लिए अपने नियम में परिवर्तन कर दिया। तो ये आप देखिए FDI स्टैटिक पोर्शन, और उस स्टैटिक पोर्शन का हमने डायनेमिक अप्रोच यहाँ पर देखा। और बिल्कुल चंद्रशेखर, ऐसे टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल बनेंगे, बिल्कुल एग्ज़ाम में आ सकते हैं। सब्जेक्ट्स को पकड़ने के लिए डायनेमिक अप्रोच लगाना सबसे बेहतर यहाँ पर मानक समझा जा सकता है। तो मेरे ख्याल से ये FDI और चीन को हमने क्यों रोका, ये आपने समझ लिया। तो सीधे तौर पर एक स्टेटमेंट, एक सिंगल लाइन स्टेटमेंट ये है, आत्मनिर्भर बनने के लिए, अपने घरेलू अर्थव्यवस्था को रोकने के लिए विदेशी निवेशकों को अभी पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा एंट्री हम नहीं दे सकते, वो हमारे लिए फिर भविष्य में चुनौती बन सकती है। इसलिए हमने अपने नियम पर कुछ परिवर्तन किया और हमने अपने देश को बचाने का एक तरीका अपनाया। तो चलिए इस क्वेश्चन के बाद हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न अनुज भाटिया ने पूछा है, और इन्होंने पूछा है ऑयल प्राइसेस को लेकर, कच्चे तेल की कीमत की गिरावट को लेकर प्रश्न पूछा। इनका प्रश्न अगर सीधे स्टेटमेंट में कहें तो कुछ ऐसा है कि जो ये तेल की गिरावट हो रही है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, उसमें भारत में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, ये क्वेश्चन को भी डिस्कस करने के पीछे आधार कुछ करंट न्यूज़ ही है। और वो क्या था कि हमने ये देखा कि जो अमेरिकी कच्चे तेल की कीमत थी कुछ दिनों पहले, कच्चे तेल की कीमत पर जो हमने गिरावट देखा वो नेगेटिव देखा। नेगेटिव कहने का अर्थात ये है कि अब
तेल देने के पैसे, अर्थात तेल आपको दिया भी जाएगा और साथ में कुछ पैसे भी दिए जाएंगे। और ये नेगेटिव जो बेंचमार्क यहाँ पर देखा गया था वो लगभग $40 पर बैरल देखा गया था। अर्थात अगर आप एक बैरल तेल अगर आप लेते हैं तो एक बैरल तेल तो आपको मिलेगा ही, साथ ही प्रति बैरल पर आपको $40 और भी मिलेंगे। नेगेटिव कहने का मतलब यह है कि सामान भी आपको दे देंगे प्रोड्यूसर और साथ ही साथ कुछ पैसे भी दे देंगे कि मेरा सामान आप लेकर चले जाओ और साथ में कुछ पैसे भी लेकर चले जाओ। अब बात ये आता है कि ऐसा हुआ क्यों और फिर उसके बाद इंडिया में इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो देखिए, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पूरा विश्व लगभग लॉकडाउन की परिस्थिति से गुजर रहा है। लॉकडाउन अर्थात ना सड़कों पर लोग निकल रहे हैं ना वाहन निकल रहे हैं, तो पेट्रोल की खपत जो है वो कम हो चुकी है। तो अगर हमें इस सीक्वेंस को देखें तो पेट्रोल की खपत अर्थात कंजप्शन कम हो गया और इस कंजप्शन की कमी होने के कारण जो कच्चे तेल की जो डिमांड है वो डिमांड कम हो गई, लेकिन प्रोडक्शन नहीं गिरा। अब मामला ये आता है कि सर ये कैसा अपवाद हो गया। हमने सामान्यता तो ये देखा है कि जब किसी चीज़ की डिमांड कम होती है तो उसका उत्पादन भी गिरता है, लेकिन आप ये बता रहे हैं कि डिमांड तो गिरा लेकिन प्रोडक्शन जो है वो बना रहा। ध्यान रखिएगा, एरो गलत हो गया था, ठीक है, इसे सामान्य मानवीय गलती समझकर आप नज़रअंदाज कर सकते हैं। तो प्रोडक्शन जो था वो कॉन्स्टेंट रह गया था। अब पहले हम इस पर बात कर लेते हैं कि प्रोडक्शन कांस्टेंट क्यों था, वाई। तो देखिए, मामला कुछ ऐसा है कि ओपेक देश और भी ऐसे जो कच्चे तेल का निर्यात करते हैं ऐसे देश या फिर ऑयल प्रोड्यूसिंग जो कंट्रीज़ हैं वो अपने प्रोडक्शन को गिराने से बच रहे हैं। उसके पीछे तर्क ये है कि अभी तो तेल की डिमांड नहीं है और अगर हम प्रोडक्शन गिरा देते हैं तो जब सारे कंट्रीज प्रोडक्शन गिरा देंगे और उसके बाद जब मार्केट में डिमांड आएगा तो फिर से प्रोडक्शन कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि मैं अमेरिका हूं और मान लीजिए कोई देश रशिया है, तो मेरे मन में हो सकता है ऐसा भाव आए कि मैं प्रोडक्शन गिरा दूं, लेकिन मैं प्रोडक्शन गिराता चला जाऊं क्योंकि मार्केट में डिमांड नहीं है, लेकिन हो सकता है रशिया प्रोडक्शन ना गिराए। और जब मार्केट में दोबारा डिमांड आए तो क्योंकि वो ऑलरेडी प्रोड्यूस कर रहा था रशिया, तो वो तुरंत सप्लाई कर देगा और उसकी कंपनी और उसके तेल बिक जाएंगे और वो मुनाफा में चले जाएगा। और मैंने अपने प्रोडक्शन को गिरा दिया था और मुझे फिर से प्रोडक्शन को रिवाइव करके इस तेल की डिमांड को फुलफिल करने पर जितना समय लगेगा, तब तक मेरे जो ग्राहक हैं या जो मेरा जो बाजार है वो बाजार रशिया की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर तुम प्रोडक्शन जब गिराओगे तो मैं गिराऊंगा, तुम नहीं प्रोडक्शन गिराओगे तो मैं भी नहीं गिराऊंगा, देखते हैं कि कब तक हम लोग प्रोडक्शन बनाए रखते हैं भले डिमांड मार्केट में कुछ भी ना हो। अब इस चक्कर में होगा क्या कि एक प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कोई भी देश प्रोडक्शन गिराने से बच रही है थोड़ा सा, और जब प्रोडक्शन नहीं गिराया जाएगा, डिमांड यहाँ पर कम हो गया है, तो जो ऑलरेडी प्रोडक्शन हुआ है उसका क्या हो जाएगा, उसका स्टोरेज हो जाएगा, उसका स्टॉक बन जाएगा। और इस कारण से अब स्टोरेज भर के रखा हुआ है कच्चे तेल का, लोग खरीद नहीं रहे हैं, तो अब क्या होगा, इसकी रेट गिरते जाएगी। तो ये परिणाम हमने देखा कि पहली बार रिकॉर्ड नेगेटिव पर चला गया, अर्थात तेल भी ले जाओ और पैसा भी ले जाओ। तो अब स्टोरेज जब ज़्यादा हो गया और नेगेटिव पर चले गए, तो अगर ये कदम नहीं उठाते तो ये और नेगेटिव पर जाता और हो सकता है कि जो -40 बैरल हम यहाँ पर देख रहे हैं, -$40 बैरल जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये बढ़ते बढ़ते -50, -100 और फिर वहाँ से फिर हमको वापस पॉजिटिव पर आने के लिए बहुत लंबा समय लगाना पड़ता। तो इसलिए इस स्टोरेज को खाली करने के लिए कि स्टोरेज को खाली करो, जो हमारे पास स्टोरेज स्टॉक है उसे हटाओ यहाँ पर, भले हमें थोड़ा नुकसान सहना पड़े, इसलिए ये नेगेटिव पर चला गया ऑयल का कीमत। तो ये हुआ इस पूरी कहानी की पृष्ठभूमि। अब बात ये आता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसे मैं बोर्ड में जो लिखा हूँ मिटा देता हूँ, जगह खाली होगा तो समझते बनेगा। तो अगर भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव इसका हम देखें तो देखिए, इसका प्रभाव बहुत व्यापक बहुत विस्तार पूर्वक हो सकता है क्योंकि पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो कोई एक छोटा सा भी अगर पत्थर खसकेगा तो पूरा पर्वत खसक जाता है अर्थव्यवस्था पर, लेकिन हम बड़े बड़े पत्थर या बड़े बड़े चट्टानों के खसकाट की बस यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर बात होगी कैड की, करंट अकाउंट डेफिसिट, अर्थात चालू खाता घाटा, क्योंकि तेल की कीमत बढ़ने और घटने पर सबसे पहले प्रभाव हमें चालू खाता घाटा पर देखने को मिलता है, करंट अकाउंट डेफिसिट पर। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, तो सीधे तौर पर आप ये समझ सकते हैं कि जब हम निर्यात कम करेंगे और आयात ज़्यादा करेंगे, निर्यात कम कर रहे हैं अर्थात विदेशों से कम कमा रहे हैं
और आयात ज़्यादा कर रहे हैं अर्थात विदेशों में ज़्यादा पैसा दे रहे हैं। तो ये जो अंतर आता है, मतलब आयात में जितने पैसे गए और निर्यात में जितने पैसे आए, जब इसका अंतर हमें नेगेटिव दिखता है तो हम उसे चालू खाता घाटा कहते हैं। मान लेते हैं कि अगर हम इम्पोर्ट करते हैं -$200 का और हम एक्सपोर्ट करते हैं +$100 का, तो हम ये समझेंगे कि -$100 हमारे पास कम यहाँ पर पहुँचे हैं। माइनस क्यों लिखा हमने इम्पोर्ट पर, क्योंकि इम्पोर्ट अर्थात आपके देश से ये पैसे गए, ये माइनस साइन अर्थात आपके देश से पैसे बाहर जाने वाली दिशा को दर्शा रहा है, प्लस का मतलब कि आपके देश में पैसा आ रहा है, इस साइन को इस तरीके से आप देखिए। तो -100 कहने का मतलब यह है कि जितना आपके देश में पैसा आया उससे 100 ज़्यादा आपने विदेशों में अपने देश से पैसा दे दिया, और इस स्थिति को ही हम क्या कहते हैं, चालू खाता घाटा या करंट अकाउंट डेफिसिट, क्योंकि करंट अकाउंट पर हम इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट देखते हैं और ये नेगेटिव साइन दर्शाता है घाटा अर्थात डेफिसिट, यहाँ पर जो शब्द लिखा हुआ है उसे। तो जब तेल की कीमत नेगेटिव हो जाएगी तो अब आप क्या पैसे देकर तेल ले रहे हैं, नहीं, बल्कि तेल लेने के साथ साथ में आपको कुछ डॉलर भी मिल रहा है। तो ये वाला जो माइनस साइन है, ये माइनस साइन आपका क्या हो जाएगा, कम, बल्कि और आपके पास में तो पैसे यहाँ पर आते जाएंगे। तो ये जो वैल्यू आप यहाँ पर देख रहे हैं क्वांटिटी, ये -100 ना होकर हो सकता है -10 या फिर -20 तक चला जाए, क्योंकि अगर हम आयात करने वाली वस्तुओं को देखें तो जो कच्चा तेल है उसका जो क्वांटिटी है वो टॉप के फर्स्ट सेकंड पोजीशन पर हमेशा बना रहता है। तो जब वहीं पर हमें ऐसा दिखता है कि कुछ हमें पैसे मिल रहे हैं, हमें पैसा देना नहीं पड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये वाला जो वैल्यू है इसकी क्वांटिटी कम होगी और हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट यहाँ पर कम होता हुआ दिखेगा। अब ये एक प्रकार से बहुत बड़े मायनों पर एक अच्छी खबर है, ये हमारे लिए काफी अच्छे संकेत ये दे सकती है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अर्थव्यवस्था स्थिरता की कहानी है, एवरीथिंग इज ऑल अबाउट स्टेबिलिटी। करंट अकाउंट डेफिसिट अगर कम होता है तो लाभदायक तो है, जरूरत से ज्यादा अगर कम हो जाएगा तो नुकसानदेह। कैसे होगा ये आप हो सकता है किसी और प्रश्न पर डाउट के रूप में मुझसे पूछ सकते हैं, तो सब एक टाइम में नहीं बताएंगे ना, जो आपको डाउट होगा उसे आप पूछिए, जितना ज़रूरत होगा उतना बताते जाएंगे, तब जाकर आपके क्वेश्चन और इस वीडियो को जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इन दोनों का जो टारगेट है वो पूर्ण हो पाएगा। तो चलिए, करेंट अकाउंट डेफिसिट तो हम समझ गए कि यहाँ पर कुछ हमें पॉजिटिव देखने को मिलेगा, ठीक। दूसरा आते हैं कि हम राजकोषीय नीति पर बात करें, अर्थात सरकार के खजानों पर अगर हम बात करें, नुकसान है। क्यों नुकसान है? क्योंकि जब तेल की डिमांड कम हो जाएगी तो क्या हमारी कंपनियां जो प्रोडक्शन कर रही थी वो करेंगी क्या? तो हम नहीं करने वाले, हमारा प्रोडक्शन हम रोक देंगे, क्योंकि वैसे भी हम बहुत ज़्यादा मतलब तेल या फिर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री नहीं है, तो हम तो अपना प्रोडक्शन रोक देंगे। प्रोडक्शन अगर रुकेगा तो उत्पाद शुल्क रुकेगा, अर्थात सरकार तेल के उत्पादन पर जो एक्साइज ड्यूटी वसूल रही थी, जो उत्पाद शुल्क वसूल रही थी, वो सरकार को नहीं मिलेगा। और इसके पीछे आंकड़े कुछ इस प्रकार से हैं कि लगभग 14,000 करोड़ कम राशि हम अर्जित कर पाएंगे अगर ये समस्या या जो तेल की डिमांड कम वाली समस्या जो है अगर दूर नहीं होती तो, इस वित्तीय वर्ष में, अर्थात 14,000 करोड़ रुपए कम मिलेगा सरकार को। सरकार को पैसे चाहिए, सरकार को देश को बढ़ाने के लिए बहुत सारे पैकेजेस जो यहां पर सरकार ने घोषणा की है, सरकार ने 20 लाख करोड़, तो ये सब पैकेज, ये सब खर्चों को पूर्ण करने के लिए सरकार के पास भी एक आवक चाहिए, और अगर ये आवक ही कम हो जाएगी तो हमारे लिए ये और एक विकट समस्या बन जाएगा। तो इसलिए ये जो कहानी है ये आपके लिए नकारात्मक है। देखिए, इकोनॉमिक खास बात क्या है कि कोई भी एक चीज़ होगा तो हमेशा अच्छा अच्छा होगा, हर जगह बुरा बुरा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं, कुछ चीज़ें बुरी होती हैं। तो इस प्रकार से आप फिस्कल इम्पैक्ट यहाँ पर समझ सकते हैं। तीसरा प्रभाव अगर आप देखें तो तीसरा प्रभाव एग्रीकल्चर पर आप देख सकते हैं, आप LPG पर देख सकते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर पर बनने वाला फर्टिलाइज़र, तो उसमें भी आपको कच्चे तेल की ज़रूरत पड़ती है। LPG पर भी आपको यही, जहाँ पर ऑयल प्रोड्यूसिंग होता है वहीं से आप ये LPG को भी यहाँ पर आगे रिफाइन करके निकालते हैं। तो इस प्रकार से इन सारे क्षेत्रों पर भी हमें पॉजिटिव रिजल्ट दिख सकता है, अर्थात हम सकारात्मक परिणाम अपेक्षित करते हैं कि अगर ये डिमांड या फिर इनकी कीमत जब कम हो जाएगी तो वो रॉ मटेरियल
सस्ता हो जाएगा जिस रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके हम ये फाइनल प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, ये फर्टिलाइज़र और एलपीजी जैसे फाइनल प्रोडक्ट बनाने वाले हैं। तो ये आपके लिए एक फ़ायदा वाली बात हो गई। एक और यहाँ पर प्रभाव जो न्यूज़ पर था उस पर भी चर्चा कर लेते हैं, वो है भारत पेट्रोलियम ऑयल कंपनी। देखिए, इस कंपनी का सरकार विनिवेश करने वाली थी। डिस इन्वेस्टमेंट, क्या होता है डिस इन्वेस्टमेंट, चलिए आपको जानना होगा डिस इन्वेस्टमेंट, तो आप जो है प्रश्न पूछेंगे डाउट के रूप में। तो BPCL कंपनी को सरकार एक प्रकार से बेच रही थी, निजी हाथों पर इसे डाल रही थी, लेकिन अभी इस भारत पेट्रोलियम कंपनी को खरीदने के लिए कोई शायद आगे ना आए, क्योंकि इस कंपनी को या फिर ऐसी कंपनी जो ऑयल प्रोड्यूस कर रही है या कच्चे तेल के व्यापार से जुड़ी हुई है वो नुकसान में है अभी, और अगर इनके शेयरों को कोई ख़रीद रहा है तो उनको नुकसान होगा, तो रुकेंगे, और अगर वो रुकेंगे तो सरकार के पास डिस इन्वेस्टमेंट या विनिवेश के माध्यम से जो राशि आ सकती थी वो राशि भी रुकेगी। तो ये भी एक प्रभाव आप देख सकते हैं ये कच्चे तेल की कीमत गिरने से। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेंगे अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमत गिरती है। तो और भी बहुत सारे प्रभाव हैं, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, हम मेजर इंपैक्ट को बस यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर पहुँचते हैं, अगले डाउट पर पहुँचते हैं। अगला प्रश्न है संतोष मंडावी का, और उनका ये पूछना है कि सर रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या है ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, रिवर्स रेपो रेट अर्थात ये वो दर होगी, ये वो रेट होगी जिस दर पर या जिस परसेंटेज पर RBI जो है वो बैंकों से उधार लेती है। देखिए, तीर बना हुआ है RBI की तरफ, अर्थात उधार कौन लेगा, RBI लेगी। किससे लेगी, बैंकों से लेगी, और ये जो दर होगा उसी दर को यहां पर क्या कहा जा रहा है, रिवर्स रेपो रेट। देखिए, रिवर्स कह दिया गया अर्थात RBI उधार ले रहा है बैंकों से, और सिर्फ रेपो रेट होता तो RBI उधार देता बैंकों को, तो ये है रिवर्स रेपो रेट। अब इसे और थोड़ा अगर हम खोलें तो इसका ये अर्थ है कि जब बैंकों के पास में राशि पड़ी हुई है, उधार कोई नहीं ले रहा है, तो उस पड़ी हुई राशि का वो नुकसान हो जाएगा, उससे कुछ कमाएंगे नहीं, तो बैंक क्या करते हैं RBI को ये उधार में पैसे दे देते हैं, और RBI फिर उसको अपने इस्तेमाल के लिए प्रयोग में लाती है, और ये दर भी डिसाइड कौन करती है, तो ये दर डिसाइड करती है RBI। तो अब ये जो रिवर्स रेपो रेट की पूरी कहानी जो अभी ये डाउट के रूप में आपके सामने दिख रही है, वो ऐसा इसलिए है क्योंकि RBI ने या मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ने इस 4% रिवर्स रेपो रेट जो दर थी उसे घटाकर 3.75% कर दिया गया है, अर्थात 25 बेसिस पॉइंट की गिरावट कर दी गई है। अर्थात अगर कोई एक बैंक पहले RBI को राशि देती तो RBI उसको 4% का ब्याज लौटाता, लेकिन अब ब्याज लौटाएगा 3.75%, अर्थात बैंकों को मुनाफा कम होगा ब्याज के रूप में। अब ऐसा क्यों किया गया, ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि अभी बैंक इन्वेस्टमेंट के लिए उधार देने से थोड़ा सा पीछे हट रहे हैं, थोड़ा सा बच रहे हैं। कोरोना महामारी के पहले ही हम ये देखे हैं कि बैंक बहुत ही ज़्यादा संकट में है, NPA की समस्या से जूझ रहे हैं, और वो जब ये स्थिति आ जाएगी कोरोना महामारी वाली, जहां पर अगर बैंक उधार में पैसे दें तो इसमें बहुत बड़ी संभावना होगी कि वो पैसे डिफ़ॉल्ट कर जाए, वो पैसे ना आए, क्योंकि जिनको उधार देगी वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, और इन्वेस्टमेंट करके वो प्रोडक्शन करेंगे, और प्रोडक्शन करके वो कंजप्शन के डिमांड को पूर्ण करेंगे, लेकिन मार्केट में डिमांड तो है ही नहीं, तो फिर प्रोडक्शन भी यहाँ पर रुकेगा। तो लोग जब इन्वेस्टमेंट के लिए उधार मांगने जाएंगे तो बैंक थोड़ा डरेगा कि भाई तुम इन्वेस्टमेंट लेकर जाओगे तो, लेकिन जब तुम उसका प्रोडक्शन करोगे तो तुम्हारा तो सामान बिकेगा नहीं, तो तुम तो डूबोगे और साथ में हमें भी हमारी पैसे नहीं दोगे, तो इससे और NPA की समस्या बढ़ेगी। तो इस तरीके से बैंक थोड़ा सा बच रहे थे। तो RBI ने क्या किया, एक तरीका अपनाया कि इस रिवर्स रेपो रेट को कम कर दिया जाए। अब बैंकों को ये लगेगा कि अरे यार, ये जो पैसे मैं सोच रहा था कि मेरे पास रहे और मैं RBI के पास दे दूँ, तो कम से कम मेरे को 4% तो मिलता रहेगा, क्योंकि RBI तो डिफ़ॉल्ट करने नहीं वाली, लेकिन अब RBI तो 3.75% दे रहा है, अर्थात RBI को देने से भी कोई लाभ यहाँ पर ज़्यादा दिख नहीं रहा है। तो एक काम करते हैं, RBI को नहीं देते, ये निवेशकों को ही दे देते हैं, उनसे ज़्यादा ब्याज
ऐंठ लेंगे 3.75% तो हमको RBI देगा, हम 8% 9% के ब्याज में आगे बढ़ा देंगे पैसे, यहाँ से हमको ज़्यादा लाभ मिलेगा। क्योंकि बैंकों को भी पता है ना कि अगर ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए तो ज़्यादा रिस्क लेना पड़ेगा, बिना रिस्क के बिना प्रॉफिट तो आएगा नहीं, तो वो फिर कहाँ जाएंगे, निवेशकों को उधार देंगे। तो अभी हमें यही चाहिए कि आत्मनिर्भर बनना है, इकोनॉमी को रिवाइव करना है तो लिक्विडिटी पंप करना होगा, पैसों को, मुद्राओं को हमें बाज़ार पर उतारना पड़ेगा। ये एक तरीका है कि बैंक अपना एक मेजर रोल प्ले करें, वो राशियों को उधार में आगे बढ़ाएं, निवेशकों को दें, निवेशक उसका इस्तेमाल करके देश में GDP को आगे बढ़ाएं, रोजगार के अवसर यहाँ पर लाएं, लोगों की आय सुनिश्चित करें, बाज़ार में डिमांड क्रिएट करें और पूरी इकोनॉमी के साइकिल को फिर से यहाँ पर चला दें। तो इसलिए इस रिवर्स रेपो रेट को गिराया गया था बैंकों को ये बताने के लिए कि हम तुमको ज़्यादा लाभ नहीं देने वाले, बेहतर है कि तुम निवेशकों को उधार में पैसे दे दो। तो ये है रिवर्स रेपो रेट क्या होता है और अभी क्यों ये न्यूज़ में था उस पर एक चर्चा। तो इस प्रश्न के बाद अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो चलिए उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये प्रश्न आधारित है प्रिंटिंग ऑफ करेंसी टू मोनेटाइज डेफिसिट, अर्थात सरकार के राजकोषीय घाटा को बचाने के लिए, घाटा को पूर्ण करने के लिए मुद्रा का निर्गमन करना अर्थात नोट छापना, और ये जो नोट छापने की कहानी है उससे अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पूछा है एक छात्र ने। बहुत ही वास्ट ये टॉपिक या वास्ट ये कंसेप्ट है तो इसे ध्यान से समझिएगा। देखिए घाटा क्या होता है, घाटा ये होता है कि जब सरकार के जो खर्चे होंगे वह सरकार के आय से जब ज़्यादा हो जाए तो इस समय जो आपके सामने स्थिति आएगी उसे आप घाटा की स्थिति कहेंगे। मान लीजिए कि 27 लाख करोड़ सरकार खर्च कर रही है लेकिन सरकार के पास में मात्र 20 लाख करोड़ है, अर्थात 7 लाख करोड़ रुपए कम है सरकार के पास में इन खर्चों को पूर्ण करने के लिए, कम है अर्थात घाटा की स्थिति है। तो इस पैसे को कहाँ से लाएंगे, तो इसे लाने के कई तरीके हो सकते हैं, उसमें से एक तरीका जो सुर्खियों में बना हुआ है वो है प्रिंटिंग ऑफ करेंसी। तो ये जो प्रिंटिंग ऑफ करेंसी, जब कोई सरकार कर जाए इस घाटा को पूर्ण करने के लिए, तो फिर क्या ये इकोनॉमी के लिए अच्छा है, बुरा है या फिर क्या इम्पैक्ट है, ये पूछा जा रहा है इस प्रश्न के माध्यम से। तो चलिए समझते हैं कि क्या इम्पैक्ट होगा। तो इसके कंसेप्ट को समझने के लिए हम इस ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। ये ग्राफ ये कहता है कि अगर उत्पादन कांस्टेंट है, प्रोडक्शन अगर बढ़ा नहीं है और मुद्रा की जो क्वांटिटी है अगर उसे बढ़ा दिया जाए तो मुद्रा की वैल्यू कम हो जाती है, अर्थात उस महंगा हो जाएगा वस्तु, ज़्यादा कीमत देना पड़ेगा। देखिए घबराइए नहीं, इसे बहुत ही आसान से समझते हैं। मान लेते हैं कि 3 व्यक्ति हैं किसी देश में और 3 व्यक्ति में जो उनके पास मुद्रा है वो 300 रुपये, 200 रुपये और 100 रुपये क्रमशः है। तो इस हिसाब से मान लीजिए कि किसी एक देश पर 3 व्यक्ति हैं और 600 रुपये घूम रहे हैं और इस समय जो उत्पादन हुआ है वो मान लीजिए 60 kg राइस है। तो इस हिसाब से आप क्या देखेंगे कि ये जो 600 रुपये है वो इसके बैलेंस होगा, अर्थात ये 600 रुपये किसको खरीदने जाएगा, 60 किलो चावल को, क्योंकि इतना ही रुपए है और यही वस्तु है, ये मात्र आपको अज्यूम करना है। तो आप क्या पाएंगे इस समय पर कि 1 kg की जो कीमत होगी वो आपको कुछ दिखेगा इस प्रकार से, या फिर 10 रुपये पर kg आपको देखने को मिलेगा। ये हो गया मान लीजिए case 1। अब हम इन सारी चीज़ को यहाँ पर फिट करते हैं। हमने क्या बोला कि 600 रुपये क्या है, क्वांटिटी है मान लीजिए यहाँ पर हमने लिख दिया, और इस समय जो आपको प्राइस दिख रही है वस्तु की वो 10 रुपये पर kg दिख रही है। अब हम क्या करने वाले हैं, नोट छापने वाले। नोट छापेंगे तो क्या होगा, प्रोडक्शन कांस्टेंट है लेकिन ध्यान रखिएगा प्रोडक्शन नहीं बदलेगा। नोट छाप के अगर हमने सबको पैसे बांट दिए या फिर खर्च कर दिए तो हम ये पाएंगे कि मान लेते हैं कि ए के पास अब 600 है, बी के पास अब 400 है और सी के पास अब मान लीजिए 200 है। तो इस प्रकार से आप ये पाएंगे कि जो 600 क्वांटिटी था, मुद्रा का मात्रा था, वो अब 1200 हो गया, अर्थात 600 से उसकी मात्रा अब कितनी बढ़ गई है, 1200 या फिर पॉइंट बी पर पहुंच गई है।
और अब इस एक किलो चावल की कीमत आपको कितनी दिखेगी, वो दिखेगी 20 रुपये पर केजी। और ऐसा इसलिए क्योंकि उत्पादन तो नहीं बढ़ा है आपने, लेकिन मुद्रा की मात्रा बढ़ा दी है। तो आप क्या पाएंगे कि 1200 रुपये अगर आप कर दिए, प्रोडक्शन कांस्टेंट है, तो वही एक किलो चावल जो 10 रुपये पर मिल रहा था, अब 20 रुपये पर केजी की कीमत हो जाएगी। अब इसे हम समझते हैं, ये क्या है कि अगर क्वांटिटी ऑफ मनी हम बढ़ाएंगे, ध्यान से देखिएगा, क्वांटिटी ऑफ मनी अगर हम बढ़ाएंगे, लो टू हायर साइड जाएंगे, तो जो वैल्यू ऑफ मनी है या फिर परचेजिंग पावर, क्रय शक्ति जो है मुद्रा की, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देखिए A1 से हम कहाँ पर आ गए, B1 पर, और इस कारण से वस्तुओं की जो कीमत है वो कीमत में भी वृद्धि आएगी, अर्थात ज़्यादा महंगा यहाँ पर मिलने लगेगा। तो इससे होगा क्या, इन्फ्लेशन होगा, मुद्रास्फीति होगा। तो अगर नोट छाप कर हम गरीबी दूर करने जाएं, नोट छाप कर अगर हम घाटे को पूर्ण करने जाएं, तो बहुत बड़ी समस्या में हम जा सकते हैं, जिसे हम मुद्रास्फीति कहते हैं। और ये मुद्रास्फीति नकारात्मक श्रेणी वाली मुद्रास्फीति की बात हो रही है, और इस मुद्रास्फीति के कारण अर्थव्यवस्था के सारे सारे घटक पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि मात्रा जो उत्पादन की मात्रा थी वो कांस्टेंट थी, लेकिन लोगों के पास में पैसे ज़्यादा हो गए, तो कीमत जो होगी वस्तुओं की बढ़ जाएगी, मार्केट में डिमांड बढ़ेगा, ज़्यादा इन्फ्लेशन होगा, प्रोडक्शन तो हो नहीं रहा है, रोजगार गिरेगा, और इससे बहुत ही लंबा एक चेन शुरू हो जाएगा। तो इसका हमने क्या अर्थ निकाला, इसका अर्थ ये निकाला कि प्रिंटिंग ऑफ मनी टू मोनेटाइज डेफिसिट इज़ नॉट एन गुड आइडिया। तो इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं। तो इसी प्रकार से और भी प्रश्न आप अन्य विषयों के पूछते जाएं, तो काफी बेहतर तरीके से आपको ये विषय समझ में आएगा। धन्यवाद। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।